वेलकम टू क्लास बच्चों। बीए थर्ड ईयर में हमने कल पढ़ा था प्रतीक बिंब, आज मैं करवाऊंगी आपको साधारणीकरण। साधारणीकरण को समझने से पहले थोड़ा रस के बारे में आपको बताते हैं ताकि आपको साधारणीकरण समझ में आ जाए। बारहवीं में भी हमने पढ़ा था कि रस क्या होते हैं। जो भरत मुनि थे जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा था, उन्होंने विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति यह रस की परिभाषा दी है, जिसका अर्थ होता है कि विभाव अनुभाव संचारी भावों के योग से ही रस की निष्पत्ति होती है। जैसे हम कोई कविता पढ़ते हैं, कोई वीर रस की कविता पढ़ रहे हैं, हास्य रस की कविता पढ़ रहे हैं, तो उस कविता को पढ़ते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। तो रस क्या होते हैं? जो हमें आनंद देते हैं, अनुभूति करवाते हैं आनंद की। मान लीजिए हमने हास्य रस की कोई कविता पढ़ रहे हैं तो हम क्या है, हंसने लग जाएंगे ज़ोर ज़ोर से उसको पढ़ करके, तो हास्य रस उत्पन्न हो जाता है क्योंकि हमारे हृदय के अंदर क्या है, नौ स्थाई भाव होते हैं जो क्या है, रस में परिणित होते हैं। स्थाई भाव कौन से होते हैं? जो हमारे हृदय के अंदर स्थाई रूप से रहते हैं, लेकिन उचित वातावरण या परिस्थितियों को पा करके वे उदित होते हैं और निकल भी जाते हैं। मतलब भाव जो हैं उदित होते रहते हैं और लुप्त भी होते रहते हैं। तो ये स्थाई भाव ही हैं जो हमें रस की अनुभूति करवाते हैं। अब हम आते हैं साधारणीकरण। साधारणीकरण को अंग्रेजी में जनरलाइजेशन कहते हैं, सामान्यकरण कहते हैं। कोई हम कविता पढ़ रहे हैं, या एक उदाहरण देती हूँ, जैसे हम कोई सीरियल देख रहे हैं, ठीक है, हमने रामायण देख रहे हैं। मान लीजिए रामायण में हम जब देखते हैं कि राम जो है सीता का विलाप कर रहे होते हैं, सीता को रावण चुरा के ले गया, तो इधर राम क्या है, बहुत दुखी हैं, वन वन उनको ढूंढ रहे हैं, सीता सीता पुकार रहे हैं। तो राम की इस दयनीय दशा को देख करके हमारा मन भी क्या है, भर जाता है, दुखी हो जाता है, हमारा मन भी विलाप करने लग जाता है, अश्रुधारा हमारे नेत्रों से बहने लग जाती है। तो उस समय क्या होता है, वो राम जो विलाप कर रहे हैं, वो राम ना रह करके एक सामान्य नर नज़र आ रहा है हमें, और उसका रुदन हमें रुला देता है, अर्थात उसका दुख हमें अपना दुख लगने लग जाता है, उसकी पीड़ा हमें अपनी पीड़ा लगने लग जाती है, और हम अपनी अश्रुधारा को रोक नहीं पाते हैं। इसी स्थिति को कहा जाता है साधारणीकरण। या एक और उदाहरण दूँ, मान लीजिए हम कोई नाटक देख रहे हैं, उसके अंदर एक स्त्री दिखाई गई है, उसके दो छोटे छोटे बालक हैं, और वह छोटी ही उम्र में विधवा हो गई है। उसके ससुर और पिता आपस में बात कर रहे हैं कि बहुत लंबी उम्र पड़ी है, इसका जीवन कैसे कटेगा, तो हमें इसकी दूसरी शादी कर देनी चाहिए। और यह बात बच्चे सुन लेते हैं और वो अपनी माँ से जाकर के कहते हैं कि माँ, पिता तो हमें छोड़कर चले गए, क्या आप भी हमें छोड़कर चली जाओगी? यह सुनकर माँ क्या है, अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाकर विलाप करने लग जाती है, रोने लग जाती है। तो इस दृश्य को देख करके हम भी क्या है, भावुक हो जाते हैं, हमारे नेत्रों से भी अश्रुधारा प्रवाहित होने लग जाती है, हम अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते हैं। तो इस दृश्य में क्या होता है, वो अभिनय करने वाली स्त्री एक सामान्य स्त्री हमें प्रतीत होने लग जाती है, उसकी पीड़ा में हमें अपनी पीड़ा या दुख अनुभव होने लग जाता है। इस दृश्य को देख करके हम अपने आप को रोने से नहीं रोक पाते हैं, हमारे नेत्रों से भी अश्रुधारा प्रवाहित होने लग जाती है। तो इस दृश्य से हम जो उसकी परिस्थिति को, उसके दुख दर्द को जो अपने अंदर महसूस करने लग जाते हैं, इसी को ही कहते हैं साधारणीकरण। अर्थात किसी कवि ने जो कविता लिखी है, कोई नाटक लिखा है, उस नाटक के अंदर जो वो भाव व्यक्त करना चाहता है, जो वो भावनाएं व्यक्त करना चाहता है, पाठक ने भी स्वयं उसी भावनाओं को उसी रूप में ग्रहण कर लिया, तो क्या हो जाता है, साधारणीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी को ही कहते हैं साधारणीकरण।
कल हम पढ़ेंगे साधारणीकरण के जो चार आचार्य हैं उनके साधारणीकरण को लेकर क्या मत हैं, कल हम उसके बारे में पढ़ेंगे।